अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो अपने अपनी बहनों या बेटियों या किसी भी जो है ऐसे रिश्तेदार के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, तो वो जो है अपनी परेशानी ख़त्म करें। आप जो है अपनी तमाम तर तफसीलात हमारे जो है ईमेल पर हमें सेंड कर दें। हमारा ईमेल एड्रेस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मौजूद है, उस पर जो है आप अपनी तमाम तर तफसीलात सेंड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी डिमांड के मुताबिक आपको जो है रिश्ता जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और हम ये काम फी सबीलिल्लाह करते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते। तो अब चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। उससे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाले हर नई से नए रिश्ते की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो जो रिश्ता जो है, ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका जो नाम है वो आयशा बीबी है। उम्र है जो इनकी वो 44 साल है, 44 ईयर्स। और ये एक बेवा खातून हैं, यानी कि जो इनके शोहर हैं उनका इंतकाल हो गया है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। इनकी उम्र 44 साल है और मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस वक्त ये लाहौर सिटी में रहती हैं। अपना जाती घर है जो कि इनके जो शोहर थे फौत हो गए हैं, उनका जो है घर था वो जो है उसमें ये रहती हैं अपने बच्चों के साथ। एक बेटी है, एक बेटा है, तो जो है इनके साथ ही रहती हैं। बेटी जो है वो जो है उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 18 साल है, बेटा जो है वो अभी छोटा है। तो इसलिए जो है शादी करना चाहती हैं ताकि जो है किसी अच्छे जीवन साथी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके अलावा जो है आमदन जो है इनकी जो यानी कि जो इनका जो ख़र्चा वगैरह जो है इनके जो है वालिद साहब हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब, वो उठाते हैं। तो अभी जो है ये चाहती हैं कि दोबारा से शादी कर लें ताकि अपने वालदैन पर बोझ ना बने। तो जो इनकी डिमांड है रिश्ते के लिए, जो बंदा जो इनके मर्द जो है उसकी उम्र चाहे 50 साल तक हो, पहली दूसरी या तीसरी भी शादी करना चाहता हो, अच्छा खासा कमाता हो, अच्छे ख़ानदान से हो, मुसलमान हो, इसके अलावा ज़ात बरादरी कोई भी हो। ये जो आयशा बीबी जो हैं ये एक जो है पढ़ी लिखी खातून है, इनकी तालीम एफ़ ए है। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो शादी के मामले में सीरियस हों और चाहते हों ऐसी किसी ख़ानदान में रिश्ता करना, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।